बिहार की मौजूदा राजनीति पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने भागलपुर में कहा, तुझे दिल में बंद कर दूं, दरिया में फेंक दूं चाबी। कुछ इसी तरह का मजमून लिए प्रेस को ब्रीफ कर रहे थे। पहले तो बिहार ने ब्रेन ड्रेन पर चर्चा किए, जिसमें आगामी 13 जुलाई को पटना में शिक्षक आंदोलन को लेकर राजभवन मार्च का ऐलान किया। बताया कि बिहार के बच्चे और शिक्षक बाहर जाकर पढ़ाते हैं और काबिल शिक्षक की तलाश में नए नए फरमान सरकार जारी कर रही है। इस बाबत आंदोलन कर रहे शिक्षकों और युवाओं को पटना पहुंचने का ऐलान किया। वहीं बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के फिर से बीजेपी में पलटने के सवाल पर कहा कि अब कोई चांस नहीं है। नीतीश जी के अच्छे काम के साथ जरूर हैं, लेकिन अब दरिया में चाबी फेंक दी गई है। मान विचार है उनकी, वही उनको कम तीर बिना कम, हाँ वो तो उसका देखा, हम कहाँ कर रहे हैं, जस्टिफाई कहाँ कर रहे हैं। हम कह रहे हैं, फिर से बताते हैं, गाय बछड़े छाप को देखा, चक्कर देखा, हल्दर किसान वाला देखा, वो चक्र देखा, लांटेन देखा, बिना कमान का तीर देखा, जो छुरा की तरह पीठ में चुभ गया। लेकिन इस बार लेकिन कमल का फूल नहीं देखा। लेकिन पता है, बिहार के लोग कमल के फूल की सरकार चाहते हैं। इस बार एक एजेंडा है बिहार के लोगों का, इस बार हमें फूल जैसी सरकार चाहिए। नीतीश कुमार फिर से पलटी मारने वाले हैं, ऐसा पता चला है। मुझे नहीं मालूम, मुझे तो, मैं पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, उस नाते मेरे पास इस तरह की कोई सूचना नहीं है। एकदम साफ है, नीतीश कुमार जी पर बार बार हम लोगों ने भरोसा कर लिया, अब तो हम लोग अपने दम पर ही बीजेपी की सरकार बनाएंगे, इस पर हम लोग अड़िग हैं। क्या नीतीश कुमार को छोड़ करके सारे लोगों को बीजेपी में शामिल कर सकते हैं? अभी हम लोग कोई, हम लोग जनता के जनमत से सरकार बनाएंगे। जैसे महाराष्ट्र में हो गया हो रहा है, उस संदर्भ में ये बात है। देखिए, ये तो सुना है मीडिया के लोगों से कि सरकार घबराए घबराए से नजर आते हैं। राजद जदयू के लोग बेकरार नजर आते हैं। अगर वो आना चाहे तो, अगर जदयू के लोग आना चाहे, कौन आना चाहे? जदयू के विधायक कहाँ आना चाहिए? बीजेपी में क्यों आना चाहिए? शामिल होने के लिए। एकदम जदयू से बीजेपी का कोई रिश्ता नहीं होने वाला। अमित शाह जी ने कहा है कि एक नहीं अनेक बार कहा, और जदयू बीजेपी के रिश्ते की जो को हम लोगों ने लॉक कर दिया है और चाबी गंगा जी में फेंक दी है, फिर खुलने वाला नहीं है। जदयू आना भी चाहे तो हम लेंगे नहीं, और ऐसा कोई चर्चा विचार चल भी नहीं रहा। ये ऐसे ही लोग कह रहे हैं, अब दूध का जला तो छाछ भी फूक फूक कर पीता है। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला शुरू हो गया है और आज दूसरे दिन लगातार देश के विभिन्न हिस्सों से भक्त उत्तरवाहिनी गंगा में जल भरकर बाबा वैद्यनाथ की ओर रवाना हो रहे हैं। भक्तों की अटूट भक्ति कांवरिया पथ पर देखने को मिल रही है, जहां भक्त लगातार बोल बम के जयकारे के साथ देवघर जा रहे हैं। वहीं यूपी के चित्रकूट से आए हुए दिव्यांग कांवरिया, जो गंगा जल भरकर देवघर के लिए रवाना हुए, उन्होंने बताया कि पिछले 13 साल से हम लगातार बाबा को जलार्पण करते हुए आ रहे हैं। पैर दिव्यांग होने के बावजूद हमारा बाबा भोले के प्रति अटूट श्रद्धा है, और यही वजह है कि हम प्रत्येक साल बाबा को जलार्पण करते आ रहे हैं। रास्ते में कोई परेशानी नहीं होती, भोलेनाथ हमारे दुख को समझते हैं और मेरा रास्ता आसान बनाते हैं। यूपी चित्रकूट, यूपी चित्रकूट कितने साल से आ रहे हैं? यार 13वां साल है। 13वां साल है तो पैर शुरू से ही विकलांग? नहीं, 5 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के जब थे तभी विकलांग हुए। अच्छा। पोलियो मारा तो फिर भी बोल बम जाते हैं? हाँ, हर साल जाते हैं। दिक्कत क्या, परेशानी होती? दिक्कत थोड़ा प्रशासन लोग मंदिर में परेशान कर देते हैं।
कच्ची कांवरिया पथ पर जिला प्रशासन के दावों की पोल खुल गई है। सावन महीने के पहले ही दिन कच्ची कांवरिया पथ अंधेरे में डूबा रहा। टॉर्च की रोशनी जलाकर लोग चलने को मजबूर हुए। वहीं अंधेरे रास्ते में कांवरियों को जहरीला जीव काटने का डर सता रहा है। दरअसल मुंगेर कच्ची कांवरिया पथ जिला प्रशासन द्वारा की गई तैयारियों की पोल खोल रहा है, जिसमें कच्ची कांवरिया पथ सावन महीने के पहले दिन अंधकार में डूब गया। कांवरिया टॉर्च की रोशनी में चलने को मजबूर दिखे। यह दृश्य जो आप देख रहे हैं यह गोगाचक धर्मशाला के कच्ची कांवरिया पथ का है। कांवरिया अंधेरे में टॉर्च की रोशनी जलाकर चल रहे हैं, तो वहीं धर्मशाला में भी लाइट नहीं रहने से कांवरिया गर्मी से भी परेशान रहे। वहीं कांवरियों ने कहा कि धर्मशाला में कोई भी व्यवस्था नहीं है और तो और बिजली की भी व्यवस्था नहीं है, कोई सुरक्षा भी नहीं है। टॉर्च की रोशनी में सामान निकालना पड़ता है, गर्मी से परेशान हो रहे हैं। पंखा सिर्फ जिंदा रहने का संकेत दे रहा है। शौचालय की दिक्कत है। रात में सुरक्षा के भाव से कुछ जहरीले पदार्थ काटने की आशंका बनी रहती है। उन्होंने प्रशासन और सरकार से मांग करते हुए कहा कि अति शीघ्र व्यवस्था कराएं ताकि कल से जो कांवरिया आए उनको किसी तरह की दिक्कत नहीं हो। ये यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, ना बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है। आदमी गर्मी से पूरा परेशान है इस शिविर में। लाइट की क्या व्यवस्था? लाइट की व्यवस्था जब नहीं तो पंखा चल ही नहीं रहा है। लाइट का कोई व्यवस्था नहीं। अंधेरा में लोग अपने आप मोबाइल का टॉर्च बार के अपना सुरक्षित सामान को कर रहे हैं। क्या दिक्कत हो रही है? रोशनी से परेशानी हो रही है, सामान चोरी की संभावना हो सकता है। यहाँ पे कोई गार्ड नहीं है, कोई कुछ नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई यहाँ पे सुविधा का जानकारी देने के लिए तैयार नहीं है। क्या माना जाए, जिला प्रशासन की हर दावे फैल नजर आ रही है? सब दावत सरकार की भी फैल नजर आ रही है। लाइट नहीं होने की वजह से क्या चलने में रात को दिक्कत आ रही है, तो जला के चलना पड़ रहा है। कोई भी आगे कोई भी कीचड़ वगैरह गिरने की संभावना ज्यादा है। और ये आपको? और तो वैसे रास्ता सही है, बस रात को ये लाइट की जमीन परेशानी है। क्या मांग करना चाहेंगे? हैं, लाइट रास्ते के अंदर लाइट जल्दी से जल्दी बंदोबस्त कराया जाए। कहाँ के हैं बंदे? सूरजगढ़, राजस्थान। आपके शहर भागलपुर में स्पाइकर के एक मात्र एक्सक्लूसिव शोरूम में इस सीजन का सबसे धमाकेदार ऑफर, बाय टू गेट टू, बाय वन गेट 20% डिस्काउंट, बाय टू गेट 30% डिस्काउंट। यहाँ आपको स्पाइकर के शर्ट, जीन्स, टी शर्ट के लेटेस्ट डिजाइन के अलावे बेल्ट, डियो, परफ्यूम भी मिलता है। तो चले आइए स्पाइकर के एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम में और इस शानदार ऑफर का लाभ उठाएं। तो आज ही पधारे स्पाइकर एक्सक्लूसिव शोरूम, पटल बाबू रोड, रिलायंस ट्रेंड्स के सामने, भागलपुर। आपके शहर भागलपुर का पसंदीदा शोरूम डी कोट लेकर आया है इस सीजन का सबसे बम्पर धमाकेदार ऑफर, बाय वन गेट थ्री, बाय टू गेट फोर, बाय वन गेट 50% डिस्काउंट। डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर, कपड़ों की दुनिया के जाने माने नाम, डोनियर की फैशनेबल प्रस्तुति डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर, मैंस वियर की दुनिया का एक भरोसेमंद नाम डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर। यहाँ आकर्षक रंगों और नए ट्रेंडी डिजाइन में पुरुषों के कपड़ों की भव्य रेंज उपलब्ध है। डेनिम, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर, पैंट, जैकेट, ट्रैक पैंट, लोअर सहित मेंस पार्टी वेयर, फॉर्मल वेयर की विशाल श्रृंखला मिलेगी, वो भी बिल्कुल नए डिजाइन और रंगों के साथ। तो चले आइए डी कोट और लगन के मौसम में इस भारी छूट का लाभ उठाएं। हमारा पता है डी कोट, पटल बाबू रोड, स्पाइकर शोरूम के बगल में, रिलायंस ट्रेंड्स के सामने, भागलपुर। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें।
मालदा डिवीजन के डीआरएम विकास चौबे ने आज कई स्टेशनों का निरीक्षण किया, साथ ही श्रावणी मेला को लेकर उन्होंने विशेष पहल की। उन्होंने बताया कि हम लोग सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए निरीक्षण का काम करते हैं। ट्रैक, सिग्नल, पैनल रूम, लोकेशन बॉक्स, गाड़ी चलाने के लिए बिजली के जो प्रावधान होते हैं, ड्राइवर को सिग्नल विजिबिलिटी मिल रही है या नहीं, यात्रियों को मौलिक सुविधाएं मिल रही है या नहीं, इन सबों पर विशेष ध्यान रखते हैं। आज कई स्टेशनों पर निरीक्षण किया। वहीं उन्होंने बताया कि भारत अमृत स्टेशन के तहत सबौर, कहलगांव जैसे कई स्टेशनों पर काम चल रहा है। कार्यों की समीक्षा भी की गई। सारा टेंडर फाइनल है। सभी एजेंसियां कार्य भी शुरू कर दी है। जहां भी कमी पाई गई है उसमें रेलवे अधिकारियों और कर्मियों को सुधार करने का निर्देश दे दिया गया है। वहीं श्रावणी मेला में कांवरियों को लेकर उन्होंने कहा कि उनकी सारी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए वॉच टावर बनाए गए हैं। आरपीएफ की टीम 9 लोकेशन पर तैनात की गई है। पानी, शौचालय, पूछताछ कक्ष, सीसीटीवी कैमरे, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर गाड़ियों के ठहराव और नई गाड़ियां देने की बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि कांवरियों को किसी तरह की परेशानी न हो, उसके लिए पूरी मुकम्मल व्यवस्था रेलवे विभाग ने कर रखी है। अरेंजमेंट्स किए गए हैं वहाँ पे, वॉच टावर्स बनाए गए हैं दोनों तरफ। आरपीएफ और कमर्शियल डिपार्टमेंट की टुकड़ियां जो हैं करीब 9 लोकेशंस पे उनको तैनात किया गया है। ये कोशिश की जा रही है कि जो भी सुविधाएं हैं जो हर बार प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे कि शौचालय, जैसे कि पानी, जैसे कि पूछताछ, ये सारी सुविधाएं जो हैं वो प्रोवाइड कर दी गई हैं। हम लोगों का प्रयास ये भी है कि यहाँ पे जो यात्री उतरते हैं वो बहुत लंबे अरसे तक वहाँ पे स्टेशन पे न रुकें। तो इस विषय में भी स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ के साथ भी बैठक की गई है, उनसे पत्र व्यवहार भी किया गया है। हम लोग आसपास के किसी लोकल एरिया को चाह रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट अगर नॉमिनेट कर देगा तो ये यात्री वहाँ पे जो अगले आने वाले यात्री हैं उनको असुविधा नहीं होगी। सर्कुलेटिंग एरिया जो है वो सर्कुलेशन के लिए यूज़ होना चाहिए। तो ऑल्दो सारी व्यवस्था हमने पूरी करी गई है, इसके अलावा एम्बुलेंस प्रोवाइड करी है, वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, फर्स्ट एड वगैरह इस तरह की व्यवस्था है, और गाइड करने के लिए वहाँ पे पूरी इंतजाम है। सीसीटीवी का वो प्रबंध किया गया है, कई गाड़ियों के स्टॉपेज दिए गए हैं, नई गाड़ियाँ चालू की गई हैं। भागलपुर के नाथनगर प्रखंड के नूरपुर पंचायत के समीप एक प्रेमी जोड़े ने अंतरजातीय विवाह किया। दोनों प्रेमी जोड़े अपने चाचा की शादी में मिले थे, वहीं दोनों में आंखें चार हुई और दोनों में प्यार इस कदर परवान चढ़ा कि दोनों अपने परिजनों के खिलाफ अंतरजातीय शादी कर ली। प्रेमी मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के नूरपुर निवासी राजूसा का पुत्र बादल कुमार है, जबकि प्रेमिका झारखंड के बोकारो की रहने वाली पूनम शर्मा है। इनके बीच पिछले 4 महीने से प्रेम प्रसंग चल रहा था और दोनों ने 2 जुलाई को शादी कर ली और 4 जुलाई को लड़के ने अपने समाज के सामने भगवान को साक्षी मानकर माला पहनाकर एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाई। गौरतलब है कि लड़का बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का काम किया करता है और सांप रेस्क्यू करता है। दोनों बालिग है। वहीं समाज वालों ने प्रेमी जोड़े को आशीर्वाद दिया। अच्छा लग रहा है, प्रेम विवाह। ये प्रेम विवाह है। कैसे मुलाकात हुई थी आपको? शादी में मिले थे और उसके बाद प्यार का परवान चढ़ा। बस ये हमको पसंद करती थी, हम भी पसंद करते थे। शादी 2 तारीख को ही किए थे, और ये गांव वाले के सामने में किए। 4 महीने से ज़्यादा यहीं पे करेला चौक में चाचा के शादी में। जैसे अभी हम बच्चे पढ़ाते हैं, मेरा दुकान है और पढ़ते भी हैं, और स्नेक भी रेस्क्यू करते हैं। नहीं, सांप तो पकड़ते ही हैं, वो तो मेरा जब तक हम स्नेक से बर्बाद है। शादी किए हम नहीं बता पाए। पहले ऊपर चंडीगढ़ कैसे मिले जुले आप लोग? शादी में मिले थे। अच्छा, उसके बाद फिर फोन पे बात होने लगा और उसके बाद आप शादी कर ली। शादी कब किए थे आप लोग? 2 तारीख। आज फिर सबके सामने किया। घर परिवार सब खुश है? हाँ, खुश है। क्या नाम है आपका? सोनम शर्मा। कहाँ घर है? झारखंड बोकारो।
भागलपुर के गंगा नदी में फिर से जलस्तर बढ़ना शुरू हो गया है, जिससे भागलपुर की सबौर स्थित फरका गांव के वार्ड नंबर 8 और 9 में हर साल की तरह इस साल भी कटने लगा है। लोग काफी डरे और सहमे हैं। वहीं 2 महीने पहले से कटाव रोधी कार्य चल रहा था, जिसमें काफी अनियमितता देखी जा रही है। गाँव वालों का कहना है कि कटाव निरोधी कार्य करने वाले ठेकेदार एक भी काम सही ढंग से नहीं कर रहे हैं। जियो बैग पानी के ऊपर रखा जा रहा है, उस जियो बैग को पानी के अंदर देने से कटाव रुक सकता था, लेकिन कार्य में अनियमित के कारण कटाव इस वर्ष भी जारी हो गया है, क्योंकि 2 महीने से यह कार्य करने का ढोंग रचा जा रहा है। ना तो पदाधिकारी आते हैं, ना ही बाढ़ नियंत्रण के लोग। आक्रोशित ग्रामीणों ने बताया कि सभी अधिकारी ही इसका पैसा लेकर बैठ जाया करते हैं। वहीं आक्रोशित ग्रामीणों ने कहा कि कटाव निरोधी कार्य करने वाले ठेकेदार पर कानूनी कार्रवाई की जाए। जहां 3 मन का बालू भरा जियो पैक देना चाहिए, इसमें भी कटौती की जा रही है। उस बैग में बालू ना भरकर वहीं से मिट्टी काट कर भरकर बोरी में दिया जा रहा है, के चलते गांव के गांव कट रहे हैं और हम लोग पलायन की स्थिति में आ गए हैं। प्रशासन के द्वारा सिर्फ आश्वासन मिलता है, कोई ठोस कदम नहीं किया जा रहा, जिससे हमारा गांव पूर्ण रूपेण असुरक्षित है। एक भी काम सही ढंग से नहीं हुआ और जो देना था पानी के सतह से 10 फीट अंदर मैंने बोरी बालू का गिराना था, वो 1 फीट नहीं गया है नीचे। कब से यह काम चल रही है? काम तो 2 महीना से चल रहा था। क्या है इसमें अभी पोजीशन क्या है? कितना पहले ये जो बोरी है, हाँ, पहले कितना वजन था, अभी कितना वजन है? वजन के बारे में तो इसमें शायद 55 क्विंटल था, लेकिन हाँ, 25 दिया है, 25 दिया है, 1 क्विंटल 25 की। आप लोग का कहना हो रहा है कि इसी मट्टी को काट के इसी बोरी में दे के यहाँ पे डाल दिया गया? हाँ, इसी मट्टी को काट के मैंने 10 फीट किनारा था उसको काट के सीधे सटा दिया। जब कटाव हो रहा है इस मट्टी को देगा बोरी में यहाँ पे, तो कटाव रोक सकेंगे? नहीं। तो क्या करना है? कोई पदाधिकारी आया था? कोई पदाधिकारी, सब पदाधिकारी माल लेके बैठ गया। क्या 30 तारीख को, अगले 2 तारीख को बंद हो गया, 2/6 को। उसके बाद से बारिश के बाद देखिए स्थिति, जिस बोरे में 90 किलो डालना था, आप देखिए सामने है, 40 किलो दे करके पूरा कर दिया कोरम को। इसको देना था 6 लाइन, वहाँ देखिए 4 लाइन डाल दिया। बोला कि काम इसके बाद धीरे धीरे करेंगे, उसके बाद अपना कैंप उठाया और चल दिया। ये तो स्थिति है। इससे अगला साल जो बढ़िया हुआ था, कम से कम वो स्थिति बना हुआ नहीं था। तो ये बारिश का स्थिति है। हर बार कटाव होता है? हाँ, कटाव तो 3-4 साल से ही हो रहा है लगातार। अगले साल काम हुआ, इसके नेक्स्ट ईयर भी काम हुआ, 3 साल से काम ही चल रहा है। 3 साल से काम चल रहा है, लेकिन ये स्थिति लगा ही रहा है। हाँ, ये स्थिति बरकरार है। इसके बारे में जो भी पदाधिकारी आए, उनको आप लोग बताए थे क्या? कोई बड़ा पदाधिकारी यहाँ तो नहीं है वर्क के समय में। SDO आए थे, मुकेश जी थे, उनके रीजन में काम हुआ। लोग कहते थे कि इस तरह का काम है, कम डाल रहे हैं बोरा में, तो बोले तो हम लोग जा रहे हैं, आप ही लोग करा लीजिए। तो ग्रामीण क्या कहे, ग्रामीण तो कह ही सकता है ना। कैसा लग रहा है? आपके बगल में घर है, अगर बाढ़ आ जाए, कटाव हो रहा है, तो क्या स्थिति रहेगी, कहाँ रहिएगा आप लोग? वो तो परिस्थिति बताएगा, अब क्या करेंगे, जो होगा। अभी तो लोग आशा रखे थे कि काम होगा, 17.5 करोड़ 68 लाख रुपया मिला था, उससे लोगों को था कि काम ढंग से होगा तो कुछ बचाव होगा। लोजपा रामविलास के भागलपुर शाखा के द्वारा रामविलास पासवान का 77वां जन्मदिन भागलपुर के जिलाध्यक्ष के आवास पर केक काटकर हर्षोल्लास के साथ सभी कार्यकर्ताओं ने मनाया। जन्मदिन कार्यक्रम में भागलपुर इकाई के जिलाध्यक्ष एवं कई प्रकोष्ठ के पदाधिकारी व सदस्य मौजूद थे। जन्मदिवस कार्यक्रम के अवसर पर लोजपा रामविलास भागलपुर इकाई के जिलाध्यक्ष राजेश वर्मा ने कहा कि हम लोग इनके जन्मदिवस को काफी धूमधाम से मना रहे हैं, साथ ही हम लोगों का पूरा ध्यान 2024 के लोकसभा चुनाव पर है। लोजपा बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट के तर्ज पर आगे बढ़ रही है, इसे हम लोग साकार करके रहेंगे। साथ ही बिहार की वर्तमान सरकार को कोसते हुए कहा कि हम लोग फिर से बिहार को जंगल राज नहीं देंगे, हम लोग नया बिहार बनाएंगे जहां विकास ही विकास होगा। लोक जनशक्ति पार्टी के जनक पद्म विभूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान की जयंती समारोह में प्रभारी सह प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश भगत, सह प्रभारी प्रदेश महासचिव अभिषेक सिंह, प्रदेश महासचिव संगीता तिवारी, प्रदेश उपाध्यक्ष बबली शर्मा, भागलपुर जिला अध्यक्ष राजेश वर्मा, जिला संगठन मंत्री रविन्द्र सिंह, महिला जिलाध्यक्ष अंशु प्रियंका, छात्र जिलाध्यक्ष अभिनव, मीडिया प्रभारी सौरभ सुमन के अलावे कई कार्यकर्ता मौजूद थे। रामविलास के हमारे संस्थापक स्वर्गीय आदरणीय रामविलास पासवान जी की
जयंती के शुभ अवसर पर हम सब कार्यकर्तागण यहाँ आज मौजूद हुए हैं और प्रयास यही है कि उनकी जो सोच थी दलितों के लिए, वंचितों के लिए और वैसे तमाम लोगों के लिए जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग देश का है, उसको किस तरीके से समृद्ध किया जाए, उनके लिए तमाम तरह की योजनाएं, वन नेशन वन कार्ड जैसी योजनाएं लाने वाले हमारे पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी रहे। कोरोना काल में बीमार होने के बावजूद मुफ्त में राशन वितरण की योजना उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष रखकर स्वीकृत कराने का काम किया। ऐसी हजारों योजनाएं हैं जो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के द्वारा शोषित वंचित और गरीब वर्ग के तबकों के लोगों के लिए करने का काम किया गया। तो यह 77वां उनका जन्म दिवस जो हम मना रहे हैं वो उनके जाने के उपरांत इसीलिए मनाया जा रहा है कि कहीं भी किसी भी रूप में उनको भुलाया नहीं जा सकता है। आज भी कई ऐसे हजारों नौजवान और अभिभावक मिलते हैं जिन जो खुद बताते हैं कि किस तरीके से रामविलास पासवान जी ने उनको रोज़गार देने का काम किया, किस तरीके से रेलवे में और अन्य संस्थाओं में उन्होंने भर्ती में उनको सहयोग करने का काम किया। तो उनको भुलाया जा सके यह संभव नहीं है। देश का दूसरा अंबेडकर उनको माना गया, ऐसे हमारे संस्थापक और हम लोगों के धरोहर। आज उनके जन्मोत्सव पर हम लोग सब केक काटकर और सुल्तानगंज गंगा घाट स्थित अशोका गार्डन होटल में जन संसद की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। इस दौरान संरक्षक अजीत कुमार ने बताया कि श्रावणी मेला को कॉरिडोर के माध्यम से भी विकसित किया जाना चाहिए। भागलपुर बांका मुंगेर के क्षेत्रों में डैम वन और पहाड़ को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करना चाहिए, जिससे हजारों लोगों को न केवल रोजगार मिलेगा बल्कि सरकार को भी राजस्व का लाभ मिलेगा। ऐसा करने से रोजगार प्राप्त करने के लिए दूसरे प्रांत जाने वाले बेरोजगारों को पलायन रुकेगा, वहीं वो यहीं रोजगार प्राप्त कर सकेंगे। इन्हीं विषयों को लेकर जन संसद के संरक्षक अजीत कुमार ने राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता को आवेदन दिया। बहरहाल अब देखना यह होगा कि कब तक सरकार का ध्यान इस ओर आता है और कब श्रावणी मेला के विकास के लिए कदम उठाया जाता है। बिहार में पलायन एक बड़ा मसला है और इस कॉरिडोर में रोजगार की बहुत ही अधिक संभावनाएं हैं। यही कारण है कि हम लोगों ने एक कैंपेन शुरू करने का पहल किया है और हम लोग एक कैंपेन लॉन्च करने जा रहे हैं जिसको कि श्रावणी मेला कॉरिडोर डेवलपमेंट कैंपेन का नाम दिया है हम लोगों ने, और हम लोग जल्द ही इस कैंपेन की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज उद्घाटन के समय हम लोग अपने मंत्री जी से मांग भी करेंगे कि क्षेत्र के विकास के लिए जहाँ की श्रावणी मेला कॉरिडोर आज हजारों लोगों को रोजगार दे रहा है, तो सरकार को चाहिए कि श्रावणी मेला कॉरिडोर का डेवलपमेंट करे। हम लोगों ने डेवलपमेंट के लिए कुछ तथ्यात्मक बातें की हैं, जैसे कि श्रावणी मेला बोर्ड बने। दूसरी बात जो है, यहाँ पर विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो पूरे कॉरिडोर में, गंगा धाम से लेकर दर्शनिया तक। उसके बाद फिर जो तीसरी बात है कि जो इस बीच में कुछ रमणीक जगह है, जैसे हनुमाना डैम है या फिर कुछ जंगल कुछ पर्वत, इन जगहों का मनोरंजन के दृष्टिकोण से डेवलपमेंट किया जाए। चौथा जो है, सूचना सेवा का विस्तार हो और जो यात्रियों को सुरक्षा मिलनी चाहिए, पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। और जो एक और बात इसके अंतर्गत आती है कि हमारा जो यह मेला है, यह जो कॉरिडोर है, इसका प्रमोशन देश और विदेश के स्तर पर किया जाए। जैसे विश्व व्यापार मेला लगता है, वहाँ पर भी हमारे इस सुल्तानगंज और देवघर के बीच के कॉरिडोर को प्रमोट किया जाए। तो हमारी सरकार से यह मांग होगी कि दक्षिण पूर्वी बिहार के विकास के इंजन बनने की संभावना रखने वाले इस कॉरिडोर को विकसित किया जाए।
बिहार में शिक्षक नियुक्ति में डोमिसाइल नीति लागू करने हेतु भागलपुर जिला जनाधिकार पार्टी और जनाधिकार पार्टी छात्र युवा के कार्यकर्ताओं के द्वारा भागलपुर की समाहरणालय के पास राज्यव्यापी एक दिवसीय महाधरना का आयोजन किया गया। प्रदर्शनकारियों का साफ तौर पर कहना है कि बिहार सरकार की इस नीति से शिक्षक वर्ग को काफी परेशानी हो रही है और शिक्षा में गिरावट आ रही है। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अन्य राज्यों में बिहार के युवाओं को नौकरी नहीं दी जा रही, लेकिन बिहार में सभी राज्यों के लोग आकर नौकरी करेंगे, इससे बिहार की बेरोजगारी कैसे खत्म होगी? क्या बिहार में हिंदी अंग्रेजी विज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षक नहीं हैं? वहीं उन लोगों ने प्रदर्शन करते हुए जोरदार नारे लगाते हुए नीतीश कुमार एवं शिक्षा मंत्री पर जमकर बरसे और कहा, जब तक नियुक्ति में डोमिसाइल नीति लागू नहीं होगी तब तक हम लोग यह प्रदर्शन जारी रखेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पप्पू यादव जी के द्वारा निर्धारित किया गया है, पूरे बिहार में जिला समाहरणालय में धरना है। धरना का उद्देश्य है डोमिसाइल नीति, बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करने का। हमारे पड़ोसी राज्य झारखंड में शिक्षा विभाग में डोमिसाइल नीति है, हम वहां जाके शिक्षक नहीं बन सकते हैं, मगर जब हमारे बिहार की बारी आती है, बिहार के युवाओं की बारी आती है, यहाँ हम डोमिसाइल नीति नहीं लागू करते हैं और पूरे देश के लोग यहाँ शिक्षक बन सकते हैं। जब शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर बाबू से मीडिया के माध्यम से पूछा गया, चंद्रशेखर बाबू का बयान आता है कि हमको जो है क्वालिटी वाला शिक्षक चाहिए, तो चंद्रशेखर बाबू सबसे पहले ये तय करें कि बिहार में क्वालिटी की कमी है, सबसे ज़्यादा आईएएस आईपीएस बिहार देता है। भागलपुर जिला अंतर्गत सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 21 में खेत में काम कर रही दादी पोती की आकाशीय बिजली की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। परिवार वालों ने बताया कि राधा देवी, जिसकी उम्र 61 वर्ष है, और पोती भारती कुमारी, जो 12 वर्ष की थी, खेत में धान का बिचड़ा गिराने के लिए गई थी। इसी दौरान आकाशीय बिजली की चपेट में आ जाने से दोनों की मौत मौके पर ही हो गई। घटना की जानकारी परिवार वालों द्वारा स्थानीय थाना को दी गई। मौके पर स्थानीय थाना पहुंचकर सबको अपने कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर भेज दिया। वहीं घटना के बाद परिवार वालों में कोहराम मच गया।